हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के, ये सारे मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। तो इससे जो है आप देख लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे गए क्वेश्चन है। और इसमें जो है अभी आपके एग्जाम में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, रिपीट भी हो रहा है। तो आप इन जितने भी सॉल्यूशन है इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ताकि जो है आपको जो आपका एग्जाम आएगा, जिस भी डेट को आपका एग्जाम होगा, तो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो जब मैंने इस क्वेश्चन को देख रहा था तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चन का लेवल है इसको आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आया है एसआई और कॉन्स्टेबल का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या दिया हुआ है कि बाई डिवाइडिंग 14528 बाई अ सर्टेन नंबर, अ मैन गेट्स 83 एज क्वेश्चन एंड 3 एज रिमाइंडर, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है। तो आप जानते हैं कि ये डिवाइडिंग है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है डिविडेंड, यहाँ होता है क्वेश्चन और यहाँ होता है रिमाइंडर और यहाँ होता है डिवाइजर। तो क्या कह रहा है, वही डिवाइजर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि बाई डिवाइडिंग इतना बाई अ सर्टेन नंबर, ये सर्टेन कोई नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर 100 यहाँ पे हुआ और यहाँ पर अगर आप 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 1 9, यहाँ पे एलसीएम 1 आया, फिर 9 1 9, तो आपका रिमाइंडर 1 आया, यानी कि ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और ये आपका डिविडेंड हो गया और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि किसी नंबर से अगर आप 14528 को अगर आप डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो आपका जो है वो क्वेश्चन आता है आपका 83 और जो रिमाइंडर है वो आपका 3 आता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइजर है वो क्या होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर इसमें एग्जांपल के माध्यम से समझे तो ये क्या आएगा, तो क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो यानी कि अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 11 × 9 और रिमाइंडर अगर हम 1 करते हैं, तो आपका यहाँ पर डिविडेंड यानी कि 100 आपका आ जाता है। सेम उसी तरीके से इसको अगर आप एक्स मान लेते हैं, यानी कि 83 और एक्स प्लस 3 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 14528 आपका आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 83 एक्स बराबर, ये 3 उधर जाके लेस हो जाएगा, यानी कि 14528 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपका निकल कर सामने आएगा वो होगा, तो जो आपका निकल कर सामने आएगा वो होगा आपका 175। ठीक है, 175, ये यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए आप, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगर आपका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप इसको अपने से एग्जाम्पल के माध्यम से ही खुद समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, कोई दो नंबर है और उसका रेशियो 4 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है, और जो उसका एचसीएफ है वो आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो नंबर्स है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है, और इसी दोनों का एचसीएफ कितना है, वो आपका 12 है। तो जब ये हो गया, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी ये वो बड़ा संख्या है, यानी कि इसको अगर आप x के रूप में देखते हैं, इसको x के रूप में देखते हैं, ये जो नंबर है इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 है, यानी कि ये 12 का मल्टीपल्स इसमें भी होगा, यानी जो x का मान आएगा वो 12 का मल्टीपल्स होगा। तो जब आपको एलसीएम निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले ये दो वैल्यू क्या आएगा, एचसीएफ को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की जगह आप रख दीजिए, यानी कि 12 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 60, और 48 60 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, तो 240 होता है। ठीक है, 240 आपका एलसीएम हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 240, क्योंकि अब देखिए 48 और 60 यहाँ पर एचसीएफ इन दोनों का क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि इन 12 भी ऐसा सबसे बड़ा संख्या, हाईएस्ट संख्या है जो कि ये दोनों से आपका कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ 5 से कट होगा, तो यानी कि यही वो रेशियो दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड वाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 7:4, यानी कि जो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जानते हैं आप, इसका रेशियो दिया हुआ है ये 7 है और ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स ले लीजिए,
इफ द पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इतना, तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है आपको 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है और यही आपको दिया हुआ है और उसका मान भी आपको दे दिया है कि 6600 आपको दे दिया है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, लेंथ की जगह पे 7x रखिए और ब्रेथ की जगह पे 4x रखिएगा आप, ठीक है, तो ये कितना आएगा, यही बराबर होगा 6600 का, तो 7 4 11 2 22 एक्स बराबर आ जाएगा आपका 6600 और x बराबर आ जाएगा 300, यानी कि जो x का मान है वो 300 है। तो आपसे लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ ये है, 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 2100 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाते हैं। अगर आपसे एरिया पूछता तो एरिया तो आप जानते हैं कि 7x इंटू 4x यानी कि, फिर एरिया हालांकि आपसे पूछता नहीं, फिर यहाँ पे x स्क्वायर में आ जाता, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता, हालांकि सॉल्व हो सकता है आराम से, 28 इंटू x स्क्वायर और 300 का x स्क्वायर करते तो ये आता आपका इतना आता, फिर इसको आप 28 से मल्टीप्लाई करते तो इतना आता, ठीक है। तो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, सर्किल हो गए, ये सब आपको याद होना चाहिए और ये सब पूछ रहे हैं। जैसे कि इसमें अगर रेक्टेंगुलर पूछा है तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट शिफ्ट का जब एग्जाम होगा तो आपसे स्क्वायर पूछ देगा, ठीक है, और उसका पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a होता है, तो यहाँ पर a निकालना होगा, इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज 2 times देन ओरिजिनल देन फाइंड द इफेक्ट ऑफ एरिया, ठीक है। अगर आप मान के चलिए कि आप सबसे पहले तो सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया पूछ रहा है, यानी कि सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि रेडियस पहले 1 था, अब अगर 2 times हो जाए यानी कि दुगुना हो जाए, ठीक है, तो अगर सिंपल रहता 1 times ही होता, अगर रेडियस सिंपल रहता तो पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन अब अगर दुगना हो जाएगा तो यानी कि अब 2 हो गया, यानी कि पाई 2 का स्क्वायर 4 होता, 4 pi हो जाता, यहाँ पे सीधे पाई होता, यहाँ पे कितना होता 4 pi होता, तो इफेक्ट क्या होता, यानी कि 3 times ये बढ़ जाएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो तिगुना हो गया ना, इफेक्ट ये होगा कि 3 times वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि ए मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट एंड रिमेनिंग ही वाज 600। अब देखिए 1/4 कोई इनकम का वो खर्च करता है फूड पे, 2/3 जो है वो खर्च करता है कितना, तो रेंट पे, और रिमेनिंग जो है इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 1/4 प्लस 2/3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12, सॉरी यहाँ पर ये पाई था और यहाँ पे 4 pi हो गया, तो 4 times बढ़ गया ना, तो 4 आंसर होगा इसका, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। और वैसा बात है कि यहाँ पर पाई था, अब जब दुगुना होगा तो 4 pi हो गया, तो यहाँ पे 4 times बढ़ा ना, ये हो जाएगा, ठीक है, अभी ध्यान आया था बनाते वक्त। उसके बाद 1/4 2/3 रेंट हो गया, अब रिमेनिंग कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 3 4 4 2 8 होता है यानी कि 11/12। अब टोटल होता है 1 1 में से 1/12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11/12 रिमेनिंग हो गया उसका, ठीक है। अब देखिए कोई भी डिजिट आप अपने मन से मान लीजिए, यानी कि 1/2 जो कि 4 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और ये 12 से भी डिवाइड हो, तो ऐसा डिजिट एक ही है, आप 12 को ही मान लीजिए कि इसके पास टोटल इनकम जो था वो 12 था, ठीक है, इस तरीके से। आपने निकाल लिया सब कुछ। अब देखिए कि आप मान लीजिए कि ए मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, अगर हम इनकम को ही मान लेते हैं कि मेरा इनकम अगर 12 है अपने मन से, तो हम 12 इनकम का 1/4 खर्च किए किस पे, यानी कि हम 3 खर्च किए हैं किस पे, फूड पे। हम फिर 12 मेरा इनकम था 2/3 ऑफ हिज इनकम, इनकम तो 12 है उसका 2/3 हम खर्च किए हैं किस पे, यानी कि 8 हम खर्च किए हैं किस पे, तो रेंट पे खर्च किए। अब देखिए 8 और 3 11, टोटल मेरे पास 12 रुपया है इनकम है और उसमें से 11 रुपया इसी सब पे खर्च कर दिया, यानी बचा कितना 1, तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि मंथली इनकम क्या होगा, तो मंथली इनकम तो अब 12 का वैल्यू पूछ रहा है, हम लोग तो मंथली इनकम को 12 माने थे, यानी अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7200 मेरे पास इनकम था,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं आराम से, इजिली वे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times इन 6 years, देन इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम्स 13 times। तो देखिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ क्या कह रहा है कि कोई सम है, मानिए सम वो पी है, ये पी कितना हो जाता है 4 times, यानी 4p हो जाता है कितने साल में, तो 6 years में। इसका शॉर्टकट भी होता है वो भी बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो 6 years में होता है, तो अब आप देखिए कि आपके पास प्रिंसिपल था और 6 साल के बाद 4p हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो अमाउंट हमारा 4p है, प्रिंसिपल हमारा p है, तो सिंपल इंटरेस्ट 3p आ जाएगा, ठीक है। जब सिंपल इंटरेस्ट 3p आ गया तो हम यहाँ से रेट को निकाल लेंगे, तो रेट क्या आएगा हमारा, तो रेट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा होता है प्रिंसिपल और इंटू टाइम दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3p आ गया, इंटू 100 कर देंगे, प्रिंसिपल हमारा p है और टाइम हमारा 6 साल है, तो p से p चला जाएगा, 3 से 2 चला जाएगा और 2 से 50, यानी 50% हमारा रेट है, तब ये 6 साल में 4 times हो गया। अब कह रहा है कि कितने टाइम में वो 13 हो जाएगा, यानी कि कितने टाइम में 13 हो जाएगा, तो देखिए प्रिंसिपल तो हमारा पी ही है और अब पूछ रहा है 13 times पूछ रहा है, यानी अमाउंट हमारा कितना हो गया 13p हो गया, तो हमारा रेट कितना, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12p। अब यहां से टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या होता है, एसआई हमारा कितना आ गया 12p इंटू 100 बटा प्रिंसिपल और इंटू रेट, रेट हमारा 50% है, बी से पी जाएगा और 50 से 2 जाएगा, यानी कि 24 years जो है में ये 13 times हो जाएगा, ठीक है, 24 में 13 times हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया कॉन्सेप्चुअल, कि अगर आपको अगर ट्रिक नहीं पता है तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट से बनाएंगे कि इसको बनाने का तरीका है, क्योंकि जब प्रिंसिपल है हमारा और जब वो 4 times हो जाता है तो ऑब्वियस सा बात है कि आज आपके पास 10 है और 4-6 साल के बाद 40 रुपया हो गया, तो यानी 30 रुपया तो आपका ब्याज बढ़ा ना, तो माइनस कर दिए। इसका सिंपल ये हो जाएगा कि जैसे अगर आपको शॉर्टकट बनाना है तो ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, अगर आप इसको तेजी से बनाएंगे तो तेजी से बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कितना दिया हुआ है 4 times और 13 times दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 times और 13 times। इसका सिंपल सा एक तरीका है कि जैसे देखिए ये आप जानते हैं कि टाइम्स है और ये टाइम्स है, ठीक है, ये ईयर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो 6 साल में कितना टाइम्स हुआ था, तो 4 times हुआ था, इसमें से एक किसलिए घटाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आप देखिए प्रिंसिपल था और 4p था, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3p आया था, तो यानी एक घटा देंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, इस ये x हो गया और ये कितना हो जाएगा 13 दिया हुआ, तो ये घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, 3 से इसको 2 बार में काटेंगे 12 × 2 = 24 होता है, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24, यानी x हम ईयर माने थे तो हमारा इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि ए पर्सन सोल्ड 14 आर्टिकल इन ₹1, ठीक है, मतलब 14 आर्टिकल वो खरीदता है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में और उसको 40% का लॉस भी हो जाता है, 40% का लॉस हो जाता है, तो 14 आर्टिकल अगर 1 रुपए में बेचता है तो 40% का लॉस हो जाता है, तो सीपी आप निकालेंगे, सीपी क्या आ जाएगा 1 रुपया इंटू 100 और नीचे हो जाएगा आपका 60, ठीक है, सीपी निकालने का भी फॉर्मूला है, इससे काटेंगे तो 5, इससे काटेंगे तो 20, से काटेंगे 3, यानी कि 5/3 आपका सीपी आ गया, ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल्स sold in ₹1 to get 20% profit, यानी कि 5/3 हमारा CP है और हमको 120% profit चाहिए, तो 120/100 यानी कि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और ये हो जाएगा कितने आर्टिकल बेचेंगे, ठीक है, तो x कर देते हैं, तो 3 2 और 5 से 5 कटा गया और यहाँ कितना था हम लोग x नहीं 14 आर्टिकल करेंगे और जब 2 से काटेंगे यानी 7 आर्टिकल वो बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा, 1 ही रुपए में अगर 7 आर्टिकल बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया क्वेश्चन को, सीपी हम निकाल लिए और हमसे पूछ रहा है कि अगर उसको 20% का फायदा करना है तो कितना आर्टिकल बेचेगा, तो इतना ही का मान 14 था तो उसको काटे तो 7 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 बॉयज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg,
कोई 8 बच्चा है, 8 बॉयज है, उसका जो एवरेज वेट है वो 2.5 kg इंक्रीज कर जाता है। एवरेज वेट ऑफ 8 बॉयज का इतना हो जाता है। इफ वन बॉय हुज वेट इज 30 kg रिप्लेस बाय न्यू वन, अगर नया बच्चा उसमें आता है तो, मतलब कि जैसे कि 8 बच्चा है और उसका एवरेज जो है इतना केजी से बढ़ जाता है, टोटल कितना हो गया, 8 × 5 = 40 और 8 × 16 यानी कि 20 kg जो है टोटल वेट इसका इंक्रीज होता है। अगर कोई 30 यानी 8 ही में से, जैसे कि 1, 2, 3 जो 8 लड़का है इसमें से कोई एक ऐसा लड़का है इसका वेट जो है 30 kg का है और ये इसके जगह पे कोई नया लड़का आ जाएगा तो 2.5 kg इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि जो नया लड़का जो आएगा उसका वेट ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, तो 20 ज्यादा होगा, यानी कि वो 50 kg का लड़का होगा, 30 kg तो चला गया, 20 kg इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 50 kg का वो लड़का होगा, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ही ना 2.5 kg इंक्रीज करेगा, ठीक है, एवरेज वेट। और एवरेज पूछ रहा है तो 20 kg हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ फोर स्टूडेंट, सॉरी एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन फोर एग्जाम इज 75, यानी कि चार एग्जाम होता है, मान के चलिए कि मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, हिंदी का हो गया, इन चार पेपर का एग्जाम होता है तो उसका एवरेज मार्क्स 75 है, तो टोटल मार्क्स कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। इन द नेक्स्ट इफ इन नेक्स्ट एग्जाम ही गॉट 80 मार्क्स, और जो 5वां एग्जाम होता है उसमें उसको 80 मार्क्स आता है, यानी कि अब इसका कितना मार्क्स हो गया, 380, तो उसका नया एवरेज क्या आएगा, तो अब तो 5 सब्जेक्ट हो गया तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 7 = 35 और 5 × 6 = 30, यानी कि 76 उसका नया एवरेज हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आया आपके एग्जाम में। अब देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है कि कोई आदमी है अगर वो 30 किलोमीटर के स्पीड से चलता है पर आवर के स्पीड से तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर 40 किलोमीटर के स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मान के चलिए कि कोई टाइम है, अगर आप 30 की स्पीड से चले तो आप 10 मिनट लेट हो गए, और अगर आप 40 की स्पीड से पहुंचे तो आप पहले पहुंच गए। तो इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है वो देख लीजिए कि स्पीड 1 × स्पीड 2 और इन दोनों का डिफरेंस यानी s2 - s1 और इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा टोटल टाइम बटा, अगर मिनट में है तो 60 से करेंगे तो आवर में आ जाएगा। तो s1 क्या है, s1 आपका 30 है, s2 कितना है तो 40 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, टोटल टाइम कितना है। तो अब यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे एक लेट है और एक पहले है, यानी कि अगर आप मान के चलिए कि अगर आप 10 मिनट लेट हो गया है, यानी कि आपको पहुंचना था 3 बजे, आप जो है 3:10 में पहुंच गए, यानी लेट हो गए आप 3:10 में, और अगर आपको पहुंचना था 3 बजे तो आप 2:55 में पहुंच गए, ठीक है, यानी इन दोनों का टोटल टाइम कितना लग गया, 15 मिनट का गैप हो गया ना इन दोनों के बीच में, तो टोटल टाइम हमारा 15 आ जाएगा। यानी सिंपल सा बात है कि एक बार लेट दिया हुआ और एक बार आपको बिफोर दिया हुआ, तो इन दोनों को ऐड आपको कर देना, यानी 10 और 5 = 15, यानी 15/60। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 जाएगा और 30 से 2 जाएगा, और 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 30 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि जो भी आवर में दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उस स्पीड का डिफरेंस इंटू टोटल टाइम, ये आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट इन 30 डेज, इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर देन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि ए 20 दिन में, बी जो है 30 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, दोनों मिलकर काम करता है, यानी एक दिन में 3 काम हो रहा है, एक दिन में 2 काम हो रहा है, और जब दोनों मिलकर काम करेगा तो 5 काम एक दिन में होगा, टोटल कितना वर्क है 60 है, डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आपका 12 जो है डेज में दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 डेज में करेगा, ठीक है, तो बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि 20 males कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, यानी 20 men जो है 3 दिन में कोई काम कर सकते हैं, और 30 female जो है ये सेम काम को 4 दिन में करती है,
तो यहाँ से टोटल इफिशियंसी, यहाँ से मेन और फीमेल का इफिशियंसी चेक कर लेंगे। तो इफिशियंसी चेक करने के लिए क्या होगा कि टोटल काम कितना है, 20 आदमी 3 दिन में काम करता है, तो टोटल ये निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके। ये स्टेप है, इसको याद रखना है आपको। और 30 फीमेल 4 दिन में करती है, यानी कि जो कटने वाला को काट दीजिए, 3 से ये 10 ही बार में चला जाएगा, और यहाँ से 2 से यहाँ 2 चला जाएगा, यानी कि मेल और ये फीमेल को हम इधर ले आएंगे तो फीमेल बराबर ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है, यानी कि ये आपका आ गया एक मेन का और एक फीमेल का इफिशियंसी। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, तो 20 आदमी है यहाँ पे, एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल निकल जाएगा कितना दिन तक इस एफिशिएंसी से काम करेगा, 3 दिन तक, यानी 20 दुना 40, 40 दिया 120, 120 टोटल काम है। अब कह रहा है कि 5 मेन और 5 वुमेन अगर साथ में काम करे तो कितने दिन में काम करेगा, तो एक आदमी का एफिशिएंसी तो 2 है, तो टोटल 10 हो जाएगा, और एक वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का काम करने का क्षमता है 1 दिन का 15 है, तो 120 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 8 दिन लगेगा, यानी 8 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसमें एक और आपको जुट जाएगा कि जैसे कि 20 मेन, अगर नेक्स्ट अगर आपको एग्जाम में थोड़ा टफ पूछेगा तो ये पूछेगा कि 20 आदमी और 30 वोमेन ये मिलकर काम करते हैं 40 दिन में। फिर पूछ देगा आपसे कि 30 मैन और 20 वोमेन ये मिलकर काम करते हैं 30 दिन में। तो सेम इसी तरीके से करेंगे कि 20 प्लस 30 ये हो जाएगा और इनटू हो जाएगा आपका इतना 40 दिन। तो सेम इसी स्टेप से हम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मेजरेशन का क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होते हैं, और इसका एरिया बराबर क्या आता है, एरिया का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, √3/4 a² ए स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या एरिया दिया ही हुआ है, इसका आपसे हाइट पूछ रहा है, तो इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द एरिया इज इतना दिया हुआ है, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो एक चीज आप जान लीजिए कि एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि √3/4 a² होता है, और एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 a होता है, ये आप एकदम याद कर लीजिए कि √3/2 a डायरेक्ट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। तो एरिया का दिया हुआ वैल्यू कितना, 16√3 दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ यहाँ पर, इस √3 से ये √3 जाएगा और ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 64, ये 4 इधर जाएगा, तो ए बराबर 8 आ गया। तो अब आपसे हाइट बराबर क्या आ जाएगा, √3/2 a का मान आपको 8 निकल गया, यानी कि इससे गया तो 4, यानी कि 4√3 जो है ये आपका हाइट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया आपको। तो आप जानते हैं कि 2 का पावर 4 जो होता है 16, और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया आपको 3/4 और प्लस एक्स, और इसका मान होता है 12, 12 का है, तो ये 4 से तो ये 4 चला जाएगा। अब √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 + x = 12 और x बराबर आपका 4, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके आरपीएफ एसआई और कॉन्स्टेबल के पूछे गए क्वेश्चन है जो कि अभी एग्जाम में चल रहा है, और विश्वास मानिए कि जीके का क्वेश्चन हो तब, मैथ्स का क्वेश्चन हो तब, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न आपका सेम रहेगा, बस डिजिट का हेर फेर होगा। ठीक है, तो जितने भी शिफ्ट के एनालिसिस होंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।